नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा में। मैं आपके साथ हूं सुदेश पूनिया। आज हम चोपटा क्षेत्र के ब्रासरी गांव में स्थित कोशमोनेट इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे हैं। यहां पर आज टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, तो टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग में आए हुए सभी पेरेंट्स की हम राय जानेंगे इस स्कूल के बारे में, वो क्या कुछ कहते हैं। हम साइंस लैब में बच्चों को करवाते हैं, जैसे ये है प्रोजेक्ट बनवाते हैं उनको, वो खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं बच्चे। जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हो कि हॉस्पिटल्स हैं या मतलब रेलवे स्टेशन है, फायर स्टेशन है, ये बच्चे मतलब उनकी पिक्स देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। मेरा नाम खुलन सिंह है, मैं गाँव राजपुर से बिलोंग रखता हूँ। मेरे परिवार से तीन बच्चे पढ़ियाँ पढ़ते हैं। स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत मिलनसार है, मेहनती है, ईमानदार है। मेरा बेटा यहाँ कोस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है पिछले एक साल से। आज उसका नर्सरी का रिजल्ट आया है और उसका रिजल्ट देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी जो स्किल्स है वो बहुत अच्छी ऊपर कराई है और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं और उसका ओरल तो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स और यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और हमारा बेटा यहाँ पढ़ कर बहुत अच्छा भी बनेगा, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सारण, गाँव मकरियावती है। अपना ये लड़का है मोनित, ये 4 साल की उम्र है इसकी, और अभी पीछे स्कूल में हमने एडमिशन करवाया था। तो जब ये एडमिशन करवाया था तो इसको मतलब वीक ही था थोड़ा बहुत, जैसे धीरे धीरे इसने जैसे मैडम के प्रयास से, और ये अब मतलब इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। स्टाफ इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले मेरा बच्चा दूसरे स्कूल में था 2 साल तक, वहाँ तक इसको दस्तक की गिनती भी नहीं आती थी, और यहाँ आके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया इसने। हमारे साथ कोशमोनेट इंटरनेशनल स्कूल के कुछ स्टाफ मेंबर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से बच्चों को एक अच्छा पढ़ाई का माध्यम कह सकते हैं, भी किस प्रकार से बच्चों की स्टडी करवाते हैं। जी, वो किस प्रकार से जो है वो पढ़ाते हैं, क्या तरीका अपना? हाँ जी दी, देखिए हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी क्लासेज होती है, नर्सरी, प्री नर्सरी। उनमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले उनकी विजुअलिटी पे काम करना पड़ता है। जैसे हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, पहले दिन अगर एक स्टूडेंट आता है तो उसको हमें सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके लिए ए फॉर एप्पल क्या है। हम अगर हम उसको ये दिखाते हैं तो ए फॉर एप्पल वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा नेक्स्ट डे। अगर हम उसको पिक्चर के साथ दिखाते हैं बच्चे सी दिस इज अ सी फॉर कैट, कैट उसको क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगता है, तो वो क्या करेगा, उसको कभी लॉन्ग लास्टिंग तक उसको याद रहती है चीज़ें। फिर उसके बाद क्या होता है, हम उसकी पेंसिल होल्डिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। पेंसिल होल्डिंग कैसे होती है, अगर मैं उनको बच्चों को बताऊंगी नहीं कि बच्चे पेंसिल ऐसे होल्ड करते हैं, उसकी मसल्स कैसे स्ट्रांग होंगी, उसको कैसे फॉर्मेशन वो सही कर पाएगा। सेकंड होता है, कई बच्चे बिल्कुल भी अच्छा पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते, उसमें क्या करते हैं, हम पेपर लेते हैं, न्यूज़पेपर या रफ पेपर लेते हैं, उनको टॉर्क करना बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप टॉर्क करोगे आपकी होल्डिंग उतनी स्ट्रांग रहेगी। थर्ड क्या होता है कि हम LED पे वीडियोस वगैरह प्ले कर देते हैं कि बच्चों को याद रखने में और सीखने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये सुनने में आया है कि डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से इस स्कूल के अंदर शिक्षा जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैम बताइए कि डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जा रही है? ओके, पहले ये था कि हम किताबी ज्ञान देते थे ज़्यादा, अब क्या है कि हम प्रैक्टिकल करवाते हैं और जैसे डिजिटल पे शो करते हैं। मान लो ये कि जनरेटर के बारे में आप बच्चों को बता देते हैं कि इसमें ये पॉइंट है, ये मतलब ये उसका लीगल है या लेवल है जो भी है, बट हम PPT बना के लाते हैं उसमें ये सब पूरा शो कर देते हैं जैसे कि आपको शो हो रहा है, तो इससे बच्चा पूरा प्रैक्टिकली तैयार हो जाता है, तो उसे पूरा मतलब नॉलेज में आ जाता है कि इसको कैसे करना है, और उसका वो इन फ्यूचर वो भूलता भी नहीं है जी। ये मैम क्या आपको लगता है कि डिजिटल एजुकेशन से बच्चे के भविष्य में आने वाले टाइम में जो रटाफिकेशन है उसको भी कम किया जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि वो एक्चुअली एक प्रैक्टिकल हो जाता है उनके, और इन फ्यूचर वो कभी भी नहीं भूलता इस चीज़ को, तो रटाफिकेशन तो ऑब्वियसली असर खत्म हो जाती है इससे जी।
चलिए, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है। कहीं ना कहीं बीच में ये भी बात सुनने को मिली कि बच्चों को एक थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल यानी पीपीटी जो बना करके वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्टर पर चला करके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। चलिए, इस समय हमारे साथ कोस्मोनेट इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर उग्रसेन डांगी जी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो इस फील्ड में उतरे, इस विद्यालय को लेकर के आए, तमाम सारी बातें हम उनसे जानेंगे। सर, आप बताइए, इस विद्यालय का जो आपने नाम है वो कोस्मोनेट इंटरनेशनल स्कूल ही क्यों रखा? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड मोस्ट वेलकम कि उन्होंने हमारा स्कूल विजिट किया जी। आपने ये क्वेश्चन पूछा कि कोस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल नाम क्यों रखा, क्योंकि सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो नाम है उसके मैनेजमेंट के साथ और उसके साथ उसकी मैनेजमेंट के साथ कहीं ना कहीं वो वेल अटैच्ड होना चाहिए। तो अगर इसका नाम कॉस्मोनॉट है, कॉस्मोनॉट का मतलब होता है एस्ट्रोनॉट, रशियन लैंग्वेज में एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट बोलते हैं। तो इसके जो मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे एस्ट्रोनॉट हैं, एरोस्पेस इंजीनियर है, यहाँ की मैं खुद भी एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, इसलिए इसका नाम कॉस्मोनॉट रखा है। जहाँ तक बात इंटरनेशनल की है, इंटरनेशनल नाम इसलिए रखा है कि आज हमारी कंट्री ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट में है। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ भी वर्ल्ड में न्यू टेक्नोलॉजी एजुकेशन से रिलेटेड कहीं भी अगर प्रोड्यूस होती है तो वो इस इंस्टीट्यूशन के साथ कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल रखा गया है। सर, जैसे कि आप बताएं कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल है, वो एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, सर कैसे? कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल एक यूनिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। इस बात को मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों है। सर देखिए, हमारे दो मेन कंसेप्ट है जिनके बेस पे इस इंस्टीट्यूशन को स्टेबल किया गया है। हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द इंडियन आर्म फोर्सेस। एक्चुअली किसी भी व्यक्ति में संपूर्ण विकास के लिए, उसको जेंटलमैन बनाने के लिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ओनली अकेडमिक के बेस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते, यू कांट से कि ही इज़ जेंटलमैन, आप ये चीज़ नहीं बोल सकते। तो मेनली ये इंस्टीट्यूशन वर्क करता है ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी को ऊपर हम वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने स्कूल की सारी एक्टिविटीज को हमने इस तरह से अरेंज किया है कि वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी बच्चे के अंदर प्रोड्यूस हो जाए। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड हमारा कंसेप्ट है अकेडमिक। जो अकेडमिक है मेनली हमारा फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की ओर बेस्ड है, जो कि कंप्लीटली डिजिटल है। अगर हम बात करें कि अगर आप किसी बच्चे के अंदर क्रैमिंग को रिमूव करना चाहते हो, रट्टाफिकेशन को आप रिमूव करना चाहते हो और बच्चे के अंदर जो अकेडमिकली इनपुट जा रहा है अगर वो आप परमानेंट करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको डिजिटल एजुकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिजिटल एजुकेशन एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप बच्चे के अंदर क्रैमिंग को हटा के परमानेंटली उसके अंदर उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि मुझे कोई भी टॉपिक डिस्क्राइब करना है, अगर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हेल्प कैसे वर्क करता है, जब तक मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ डी डायग्राम के साथ या बुक के अंदर लिखे हुए कंटेंट से आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा उसको, तो वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ह्यूमन माइंड साइकोलॉजी इस वे पे काम करती है कि ह्यूमन माइंड में दो टाइप की कैपेसिटी होती है, एक होती है डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी और दूसरी कैपेसिटी होती है इमेजिनेशन करने की कैपेसिटी। डाटा स्टोर की कैपेसिटी सभी के अंदर होती है। अगर आप किसी भी क्लास के किसी वीक बच्चे का अगर आप एग्जांपल लेंगे, उसके अंदर भी डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, उसे भी बहुत कुछ याद होता है, बहुत लोगों के नाम होते हैं, गाँव के नाम याद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो डाटा स्टोर तो कर रहा है, वो पढ़ाई में वीक क्यों है? पढ़ाई में वीक क्या है कि जब उसके साथ किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस टॉपिक को वो रियल में वो टॉपिक कैसे वर्क कर रहा है, वो इस चीज को इमेजिन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यही एक्सप्लेन करना है कि ये फैन कैसे वर्क कर रहा है। अगर आपको सिर्फ मैं लिखी लिखाई चीजें बताता रहूंगा तो बच्चा इस चीज को इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है। अगर इसी चीज की कहीं ना कहीं मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा तो पूरी पिक्चर जो आपकी है दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बाद में बच्चे के लिए उसको पेपर पे लिखना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। तो इससे बच्चे की इमेजिनेशन पावर प्रोड्यूस होती है। जहां तक अगर हम किसी इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो नॉलेज इज नॉट द साइन ऑफ इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जब तक आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब तक क्यूरियोसिटी नहीं है, तब तक आप ये नहीं बोल सकते आप इंटेलिजेंट हैं। इसलिए मेनली ये बेस्ट है कि डिजिटल एजुकेशन की हेल्प से हम बच्चों के अंदर टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके उनमें कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करते हैं जी। चलिए सर, आप इस एरिया के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनके लिए और जो अदर पेरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है?
मेरा सभी से जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस यूनिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को विजिट अवश्य करें, एक बार देखें जरूर। एडमिशन होना नहीं होना वो मैटर नहीं करता है, वो अलग चीज़ है। एक बार आएं एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देखें और आप ये फर्क देखेंगे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में अभी हमने इंप्लीमेंट कर रखा है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को देखने के लिए एक बार इंस्टीट्यूट में अवश्य आए। जी चलिए, तमाम सारी बातों के साथ हम आपको फिर से बता देते हैं कि इस स्कूल का जो मकसद है वो आपको मैनेजमेंट डायरेक्टर उग्रसेन डांगी जी ने बताया कि किस प्रकार से जो एक एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो इस स्कूल का अगर पेरेंट्स एक बार भ्रमण करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके बातें दिमाग में चल रही है वो जरूर क्लियर होगी। कैमरामैन श्याम सुंदर के साथ सुदेश पूनिया के हरियाणा।